दलित गौरव संवाद करेगी कांग्रेस। कांशीराम की पुण्यतिथि पर 9 अक्टूबर से होगी शुरुआत। 9 अक्टूबर से दलित गौरव संवाद की होगी शुरुआत। 26 नवंबर तक चलेगा दलित गौरव संवाद अभियान। 18 मंडल मुख्यालयों पर दलित गौरव यात्रा निकाली जाएगी। 9 अक्टूबर से दलित गौरव संवाद की शुरुआत होगी। 26 नवंबर तक चलेगा दलित गौरव संवाद। 18 मंडल मुख्यालयों पर दलित गौरव यात्रा निकाली जाएगी। जनाधार बढ़ाने के लिए दलित गौरव संवाद करेगी कांग्रेस। कांशीराम की पुण्यतिथि पर 9 अक्टूबर को होगी शुरुआत। 9 अक्टूबर से दलित गौरव संवाद की होगी शुरुआत। 26 नवंबर तक चलेगा दलित गौरव संवाद अभियान। 18 मंडल मुख्यालयों पर दलित गौरव यात्रा निकाली जाएगी। जनाधार बढ़ाने के लिए दलित गौरव संवाद करेगी कांग्रेस। संवाददाता समाप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाप, कांग्रेस दलित गौरव संवाद करने जा रही है, क्या कुछ है ये पूरा संवाद कार्यक्रम और किस प्रकार से चलेगा? देखिए, जनाधार बढ़ाने की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नए कार्यक्रम कर रही है और इसी से सूरत में कांशीराम की जब पुण्यतिथि है 9 तारीख को, उस वक्त दलित गौरव संवाद की शुरुआत कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। इस बीच कांग्रेस जगह जगह जाकर दलितों के बीच में एक अभियान चलाएगी और जन जागरण करेगी। माना यह जा रहा है कि हर परिवार से एक व्यक्ति से संवाद किया जाएगा जो कि उस परिवार का मुखिया होगा और रात 10 बजे से चौपाल भी लगाने का काम दलित बस्तियों में कांग्रेस पार्टी की करेगी। इसी तरह से अधिकार पत्र भी भराए जाएंगे जिसमें से 500 दलित ऐसे होंगे जिनको जो है वो अधिकार पत्र भराए जाएंगे हर जगह पर, यानी कि 1 लाख का टारगेट रखा गया है और हर मंडल में यात्राएं निकाली जाएंगी दलित गौरव यात्रा। इसमें जो है वो दलितों को जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी एक नए संदेश देगी कि किस तरह से कांग्रेस ने उसके हक में काम किया है और ये 80 के दशक में जो कांग्रेस के साथ वोट बैंक था दलितों का उसको दोबारा जुटाने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। बहरहाल कितना कामयाब होती है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन कवायद 2024 को लेकर शुरू कर दी गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया समाप। ...2024 में सफलता पाने के लिए सभी राजनीतिक दल जी जान से जुटे हुए हैं और सभी राजनीतिक दलों का केंद्र बिंदु इस वक्त दलित हैं। दरअसल दलितों पर सभी राजनीतिक दल दांव लगा रहे हैं और यही कारण है कि कांग्रेस भी इस रेस में शामिल हो गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अब कांशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर 9 अक्टूबर से दलित गौरव संवाद की शुरुआत करेगी और ये जो शुरुआत होगी वो 26 नवंबर तक चलेगी, यानी कि लोगों के बीच बस्तियों में जाकर चौपाल लगाई जाएगी और 10 बजे रात 10 बजे से लेकर 1 घंटे तक चौपाल लगाई जाएगी और उसमें सभी लोगों के प्रोफार्मा भराए जाएंगे, सभी लोगों से बात की जाएगी जो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और ये जो टारगेट दिया गया है वो 1 लाख लोगों के जो प्रोफार्मा हैं उनको भराने की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों पर दलित गौरव यात्रा भी निकाली जाएगी और 80 के दशक तक जो दलित वोट कांग्रेस के साथ रहा है उसको वापस लाने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, इस पूरे जो कार्यक्रम चलाया जाएगा उस दौरान जो फोकस होगा जो इलीट क्लास है, यानी कि जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और इसके अलावा जो अन्य वर्ग के लोग हैं, जो प्रोफेसर हैं या ये कहा जाए कि जो शिक्षक हैं, उनको कांग्रेस विशेष तौर पर जोड़ने का काम करेगी। बहरहाल कांग्रेस और दूसरे दल इस सब चीज़ों को लेकर कितना कामयाब हो पाते हैं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन ये जाहिर है कि जिस तरह से सभी राजनीतिक दल दलितों के वोट बैंक में सेंधमारी करने का काम कर रहे हैं, मायावती को बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।